आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मेरठ में पार्टी कार्यालय पर भावी प्रत्याशियों से वार्ता की। उन्होंने कुल बूथ, अभी तक के नए मतदाता जोड़ने काटने के विषय पर विस्तार से बात की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सहारनपुर और मेरठ मंडल के प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करेगी। इस कमेटी में मुख्य तौर पर दीपेंद्र हुड्डा मेरठ आएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया। उनके द्वारा मथुरा की बारी पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म पर चुनाव लड़ती है, हम पहले कांग्रेसी हैं और बाद में हिंदू मुसलमान हैं। उन्होंने गणेश वंदना, महाभारत के श्लोक आदि सुनाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संकेत दिया। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद ही पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। हमारी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। चुनाव का घोषणा होने दीजिए, आपको सब हम बता देंगे। अभी हम मजबूती के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसका आज आने का लक्ष्य भी वही है। कल जो मीटिंग हो रही है उसका भी।